तो सर हम यहाँ के रहने वाले, हमारा अपना कोई भी अपनी सुरक्षा को लेकर कुछ भी बोलना नहीं पड़ता। सुरक्षा के लिए हम लोग हैं तो सर उस चीज को देखो ना, हमने देखा आपसे उस चीज की मांग हम देख रहे हैं। आप बताइए आपकी सुरक्षा में क्या दिक्कत आई है? आपने पिछली बार यहाँ पे गाड़ियाँ छेड़खानी, एक सेकंड रुकिए, लिखित भी दिया गया है, सिंगल इंसिडेंट बताइए छेड़खानी का। आपने पिछली बार मीडिया को ये कहा कि यहाँ पे छेड़खानी होती है, सुनिए आप सिंगल इंसिडेंट बताइए कि यहाँ पे कोई छेड़खानी हुई शुक्रवार के दिन पे। उत्पात मचाने वाले इन दंगाइयों को गुरुग्राम पुलिस ने एक ऐसा सबक सिखाया है कि अगली बार दंगाई कोई भी हुड़दंग करने से पहले 10,000 बार सोचेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। तो सर हम यहाँ के रहने वाले, हमारा अपना कोई भी अपनी सुरक्षा को लेकर कुछ भी बोलना नहीं पड़ता। सुरक्षा के लिए हम लोग हैं तो सर उस चीज को देखो ना, हमने देखा आपसे उस चीज की मांग हम देख रहे हैं। आप बताइए आपकी सुरक्षा में क्या दिक्कत आई है? आपने पिछली बार यहाँ पे गाड़ियाँ छेड़खानी, एक सेकंड रुकिए, लिखित भी दिया गया है, सिंगल इंसिडेंट बताइए छेड़खानी का। आपने पिछली बार मीडिया को ये कहा कि यहाँ पे छेड़खानी होती है, सुनिए आप सिंगल इंसिडेंट बताइए कि यहाँ पे कोई छेड़खानी हुई शुक्रवार के दिन पे, जिसके खिलाफ आप लोगों ने शिकायत दी हो। आप लोग झूठी अफवाह ना फैलाएं, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, माहौल खराब करने की कोशिश ना करें। सुरक्षा की आपकी चिंता हमें भी है, और ये सरकारी जगह है, जो है ना, इसे परमिशन नहीं है, किसी चीज की परमिशन नहीं है। आपकी कोई ऐसी विषय क्या व्यवस्था है प्रशासन की, कोई व्यवस्था क्या है प्रशासन की जो मुस्लिम समुदाय को यहाँ पड़े हुए की नमाज अदा हुई? व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे पहले से चली आ रही है। एक आदमी अगर अपराध कर रहा है तो मतलब वो अपराधी बन गया तो उसको करने दो अपराध। आप ये कहने चाहते हैं, आप फिर गलत बात कर रहे हैं। हम आप भी तो कह रहे थे नमाज अदा होती है, अपराध की क्या बात है? ये अपराधी है, ये अपराध नहीं है जी। वो मैं जमीन फिर ये जमीन यहाँ है, ये अपराधी और क्या है? आपके लिए भी सर थाने निर्धारित है, आपका ACP कार्यालय बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है ये थाना बना हुआ है। मैं कह रहा हूँ मुझे अपने कार्य ना बताएं। नहीं, मैं यहाँ पे तो आपको सजेस्ट कर रहे हैं और मैं आपको यहाँ पे माहौल खराब नहीं करने दूंगा। आपको बोल रहा हूँ, आप शांतिपूर्वक सर माहौल खराब एक घर है। देखो ऐसा है ACP साहब, ना तो माहौल खराब करने आए और ना हम चाहते। अगर आपको लगता है कि हम माहौल खराब कर रहे हैं तो आप स्वतंत्र हैं, आपके पास बंदूक भी है, आपके पास थाना भी है, अरेस्ट करो सबको, ले चलो बात खत्म। इसमें क्या वो हमें देखना है, कर लो काम फिर। और यही तो कहना चाहते हैं आप, क्या चीज़? आप यही तो कहना चाहते हैं कि हमारी आवाज जो है, हम अपनी आवाज को चुप कर रहे हैं। आप अपनी आवाज को सही तरीके से सही जगह पे जहाँ रखा हुआ वही रखें, सही जगह से घुमा देगा नहीं। अगर यहाँ पर कहीं ईद का अगर कहीं बोर्ड लगा है तो आप बताइए, हम चले जाएंगे अपने घर। मैं कह रहा हूँ आप यहाँ पे इस तरीके से भीड़ इकट्ठा करके किसी प्रक्रिया को नहीं। सेक्टर 47 में विजिलेंस ऑफिस के सामने खाली ग्राउंड में नमाज पढ़े जाने को शुक्रवार को विरोध लगातार 3 सप्ताह से हो रहा है। करीब 50 लोग इकट्ठा होकर दोपहर की समय यहां पहुंचते हैं और पुलिस टीम की सूचना कर दी जाती है और SP खुद यहां पर आकर लोगों के साथ खड़े होकर उन्हें नमाज पढ़ने में मदद करते हैं। विरोध कर रहे लोगों का SP ने पिछले सप्ताह प्रशासन के साथ मीटिंग बुलाने के बात को जो मामला था उसे सुलझाने की कोशिश की, जिसके बाद यहां शांतिपूर्वक तरीके से लोगों ने नमाज पढ़ी, लेकिन वे अपने घरों को नमाज पढ़ने के बाद चले गए। लेकिन बख्तावर चौक से ठीक बगल में सेक्टर 47 की जमीन में कई एकड़ की जो जमीन है वो खाली पड़ी है और इसमें 2 और मेन रोड लगते हैं, जबकि विजिलेंस ऑफिस और निजी स्कूल इसके बाकी स्लाइड में भी इस घटना को काफी कैब वगैरह भी यहां पर आकर खड़ी होती है और अक्सर बच्चे यहां खेलते हैं। मई 2018 में पब्लिक प्लेस पर नमाज पढ़े जाने के मुद्दे के बाद इस जगह को प्रशासन ने सामाजिक लोगों से बातचीत कर नमाज पढ़ने के लिए तय कर दिया था। लॉकडाउन के दौरान यहां नमाज नहीं पढ़ी गई। बीते 3 सप्ताह से यहां पर लगातार लोग फिर से नमाज पढ़ने के लिए जुटने लगे हैं। करीब 200 से अधिक यहां पर लोग शुक्रवार की नमाज पढ़ने आते हैं, लेकिन रेजिडेंट के अलावा कई लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। बीते 3 हफ्ते से लोग यहां विरोध जता रहे हैं। पहले सप्ताह में एक व्यक्ति आया था विरोध जताने लगा तो सदर थाना पुलिस ने उसे हिरासत में ले दिया और जो लोग नमाज पढ़ने जा रहे थे उन्हें जाने दिया। करीब दूसरे हफ्ते 10 लोग आए और पुलिस ने अपनी मौजूदगी में शांतिपूर्वक तरीके से नमाज पढ़ने वाले लोगों को नमाज पढ़ने दी, लेकिन सेक्टर 47 के रेजिडेंस में कुछ अन्य लोग भी विरोध करने के लिए अब खड़े हो गए हैं। शुक्रवार को करीब 50 लोग इकट्ठा होकर यहाँ आए। 2018 से यहाँ नमाज पढ़ी जा रही है। यदि रेजिडेंस लोगों को परेशानी है तो फिर से मीटिंग बुलाकर इसका हल निकाला जा सकता है। हर
तरह की भीड़ जब बार बार यहां पर इकट्ठा होकर हंगामा करना ये भी सही तरीका नहीं है, जिसके बाद लोगों ने उनकी बात मान गए और बुधवार तक के लिए मीटिंग का फैसला लिया गया। पुलिस की मौजूदगी में दोपहर के समय नमाज यहीं पढ़ी गई और नमाज पढ़कर लोग वापस लौट गए, लेकिन ये छेड़छाड़ की आरोप यहां पर लगातार लगाए जा रहे हैं। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से ये आरोप लगाया है कि यहाँ पर भीड़ में शामिल कुछ लोग महिलाओं को निकलते टाइम पर छेड़ते हैं। एसपी सदर अमन यादव ने कहा है कि इस तरह की कोई शिकायत और सूचना पुलिस के पास अब या इससे पहले कभी नहीं आई है, मामले को शांतिपूर्ण ढंग से समाधान कराया जाएगा। तो आपने देखा किस तरह से वो पुलिस को अब महिला को छेड़े जाने को लेकर एक नया तमाशा करने लगे हैं। और अगर आप इस 3 हफ्ते की विरोध पर नजर डालें तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि पहले 1 आदमी विरोध करने आया था, फिर 10 आदमी विरोध करने आए थे और इस हफ्ते 50 लोग विरोध करने आए, और एसपी ने बहुत ही शांति और समझदारी के साथ ये साफ कर दिया कि यहाँ पर 2018 के बाद आपसी समझ के बाद इस जगह को नमाज पढ़ने के लिए दिया था, यहाँ लोग आते हैं नमाज पढ़ते हैं और चले जाते हैं। इसके अलावा आज तक यहाँ पर कोई ऐसी हरकत नहीं हुई, छेड़खानी नहीं हुई, लेकिन आपको अगर इस पर विरोध है तो हम लोगों के साथ बैठकर मीटिंग बुला लेंगे, लेकिन इस तरह का से हंगामा मचाना सही नहीं है। भारत की अखंडता को याद रखना होगा, उसको मानना होगा, और इस तरह से विरोध करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पर लगातार 2018 से लोगों को साथ खड़े होते हैं ताकि वो नमाज पढ़ सके, और आज तक एक सिंगल कंप्लेन नहीं आई है। लेकिन अगर आप बार बार इस तरह से करेंगे तो मीटिंग बुलाकर हल निकाल लीजिए, लेकिन इस तरह से रुकावट लगाना किसी को नमाज पढ़ने से या भगवान की पूजा करने से ये गलत है। तो आप देखिए किस तरह से गुरुग्राम पुलिस ने इन तमाम दंगाइयों के मुंह पर एक ऐसा तमाचा लगा दिया है कि वो आए थे नमाज के नाम पर नंगा नाच करने, लेकिन गुरुग्राम पुलिस की बहादुरी है कि उन्होंने लोगों को नमाज भी पढ़ने दिया, उनके साथ खड़ी रही, और जो लोग तमाशा कर रहे थे उनको भी शांति से समझाया कि भाई होने दो। 2018 के बाद से यही हो रहा है, और हर बार विरोध करने का अर्थ ये नहीं है कि आप सही हैं। विरोध करने के लिए आप महिलाओं का भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि बेटियों और बहनों को छेड़ा जा रहा है, जबकि इस तरह का कोई घटना नहीं हुई है। तो आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।